सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। अच्छा जी, तो आज हम दिल्ली का एनालिसिस करते हैं, लेकिन कल का ज़रा हम ब्रेक डाउन कर लें। गोल्ड की तो हमारी ना सेल की गई, ना ही जो है वो बाई की मार्केट ने रही, मार्केट रेंजिंग के अंदर है। इसको हम देखते हैं ज़रा। कल जी भी यूएसडी बड़ा बेहतरीन गया हमारा, और मेरे पास इसके स्क्रीनशॉट आप लोगों ने जो कैच किया है कल, देखे हमने इसकी बात की थी कि जो सेंटिमेंट है वो बाय की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और यही वाला हमारे पास एरिया है। मार्केट अगर मार्केट मजीद जो लो है उसको ब्रेक करती है इसके अलावा, तो हम ये एरिया देखेंगे, अदरवाइज यही वाला एरिया नीचे जाएगा। और मैंने आपको बकायदा मार्क करके भी दिखाया था, ठीक है। और एग्जैक्टली देखें, मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही किया, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को मार्केट ने कैच किया। आप कल जाके देख सकते हैं ये वाला, और एग्जैक्टली मार्केट ने देखें यहाँ पर इस एरिया को ब्रेक किया है, नीचे वाली लो को लिक्विडेट किया है, ऊपर आके अगेन रिटेस्ट, ये देख सकते हैं, ये देखें अगेन मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया और बहुत किया। लेकिन सबसे खुशी की बात ये नहीं है कि हमारा एनालिसिस अच्छा गया है, सबसे खुशी की बात ये है आपने इसको कैच किया है। बहुत हार्ड टू कैच था। ज्यादातर लोग अभी भी जो एरिया हम मार्क करते हैं उसी को देख रहे होते हैं, क्या मार्केट यहाँ पर ही आया। हालांकि मैं आपको अब बताता भी हूँ पिछले 2-3 महीनों से कि मार्केट इसके भी ब्रेक करके इस तरीके से ऊपर जा सकती है, और आप लोगों ने लिक्विडेशन का इंतजार किया, ना सिर्फ इंतजार किया बल्कि राइट पॉइंट इस कैंडल के ऊपर एंट्री ली, जो जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जो है वो खुशी है। मेरे पास स्क्रीनशॉट मौजूद है, तकरीबन 10-15 लोगों ने इसमें एंट्री ली, औरों ने भी ली होंगी यकीनन, मुझे सेंड सिर्फ 10-15 लोगों ने की है। उसका रीजन मैंने आपको यहाँ बताया भी था कि ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, लेवल है यहाँ पर, ये वाला लेवल, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, ठीक है, और मार्केट वेल प्लेड रहे। तो हम इसको रिमूव करते हैं यहाँ से। और हाँ, यूरो यूएसडी का मैं आपको बताता चलूँ, अभी हमारे पास यहाँ कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है, तो यहाँ पे किसी ने एंट्री भी यकीनन नहीं ली होगी, तो आप इसको रिमूव कर दें अब इस एरिया को। मैंने आपसे कहा था हमेशा बताया कि जब भी मार्केट इस तरीके से उठेगी किसी भी जोन की तरफ, वो एरिया हमारा नाकारा हो जाएगा। अब बेशक मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ जाए, लेकिन ये एरिया एज पर रूल हमारा बेकार हो चुका है, ठीक है, ये मैंने कोर्स में आपको सिखाया था। लेकिन अब यहाँ पे क्या बन रहा है वो आप लोग पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मैं 3 सेकेंड 5 सेकेंड देता हूँ, 1 2 3 4 5। आई होप आप लोगों ने सही से पहचाना होगा, और जिन्होंने हमारी AMD स्ट्रेटजी देखी है वो तो पहचान गए होंगे। एक्यूमुलेशन, ठीक है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल आपने सही पहचाना। अगर आपने यही वाला पैटर्न पहचाना है तो ठीक है, बाय के अंदर शिफ्ट हो चुके हैं, यूरो यूएसडी में भी हम शिफ्ट हो चुके हैं, तो हमारी एक्यूमुलेशन के अंदर मार्केट स्टिल एक्यूमुलेशन फेज के अंदर है। जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगी, H1 ऊपर की तरफ जो है वो ब्रेक होगा, या इसको ब्रेक करे या फिर इस एरिया को ब्रेक करे, लेकिन ये वाला एरिया मार्केट जब ब्रेक करेगी तो हमारा जो मैनिपुलेशन फेज है वो पूरा हो जाएगा, और मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आएगी। अगर अभी मार्केट इस जगह से, ठीक है, इस जगह से टकरा के आती है तब भी मार्केट जा सकती है, लेकिन हमारे पास एज रहेगा अच्छा, तब जब मार्केट इस वाली सप्लाई को ब्रेक करके, ना सिर्फ इस वाली को बल्कि इस वाली सप्लाई को ब्रेक करके मार्केट यहाँ नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। तो ये वाला एरिया हमारे पास ब्रेक हो चुका है, ये ब्रेकर ब्लॉक ब्लॉक भी कहलाएगा हमारा, और ये डिमांड भी कहलाएगा, ठीक है। नीचे हम देख लें इसके कुछ है तो नहीं, यहाँ पे मार्केट में एक एरिया मौजूद है, हम सिर्फ इससे मार्क कर देते हैं, ठीक है। इसको ब्रेक होने के बाद ये एरिया वैलिड है, इससे पहले भी आप ले सकते हैं, अगर आपको एक्सपीरियंस है मार्केट का तो आप यहां से जब मार्केट इसको बगैर ब्रेक करें यहां पर आए तब भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस है तो, लेकिन मेरा आप टेक लेंगे तो मैं आपको मना करूंगा कि मार्केट को पहले इस जगह को ब्रेक करने दें। मैं आप लिंक भी देता हूं, 1098,
वैलिड एंटर्ड ब्रेक 10919 1.0919 लेवल, ठीक है। तो मार्केट इसको ब्रेक ना कर दे, यहां पे थोड़ा सा आपका मैं वक्त लूंगा, आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताना है मुझे, कल भी बताया था आज भी बता रहा हूँ। इसमें आप लोग जल्द अज जल्द जो है वो अपना अकाउंट जो है वो बना लें। इसमें आप बनाएंगे तो कुछ भी नहीं करना, आपका फोन जो है वो आपके लिए खुद ही माइन करेगा, फ्री माइनिंग यूजिंग योर फोन, कोई रिसोर्सेज कोई बैटरी कंजप्शन नहीं होगा, जस्ट आपने डेली जो है वो इसमें लॉग इन करना है, आपको सिर्फ एक इन्विटेशन चाहिए, विदाउट इन्विटेशन आप इसको कर नहीं सकते फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग ट्रस्टिंग मेंबर। तो लिंक मेरा नीचे है, तो आप बगैर इसके किसी इन्विटेशन के इसको डाउनलोड नहीं कर सकते, खुद डाउनलोड करेंगे तो आपसे इन्विटेशन मांगेगा, तो वहाँ पे आपने अगर आप खुद भी डाउनलोड करते हैं तो आपने क्या करना है, एड RNT 1 2 3, ठीक है, ये वाला आपने जो है वो डाल देना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वरना सिंपल आप नीचे से लिंक से जाएंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल में, और अपना बाइनेंस स्मार्ट चेन का एड्रेस उसमें लगा लेना है, और बाकी जो डिटेल है पूरी की पूरी उससे मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर जो है वो वीडियो बनाई हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें ये वाली वीडियो, ठीक है, $1000 फ्री, ये मैंने इसमें वीडियो बनाई हुई है, पूरी डिटेल इसमें बताई हुई है कि मैंने कैसे करना है। अच्छा, मुझे 100 सब जो है वो रेफरल चाहिए इसका एम्बेसडर बनने के लिए, तो मैंने आपसे आज तक कभी भी कुछ नहीं मांगा, तो फर्स्ट टाइम मैं आपसे कह रहा हूँ अपने दोस्तों से आप ज्वाइन करें, अगर आपने ज्वाइन ऑलरेडी किया हुआ है तो अपने दोस्तों को कराएं, उनका भी फायदा कराएं, क्योंकि खुद ब खुद ही माइनिंग करता रहेगा, और जो भी मुझे कुछ जो कुछ भी मिलेगा मुझे मुझे अर्निंग रेट हो या फिर कोई रेफरल रिवॉर्ड मुझे परसों से मिलना शुरू हुआ है डेली 84%, उसका भी 25% आपको मिलेगा, और मेरे जितने माइन होंगे उसका भी 25% आपको मिलेगा, यानी मुझे जो जो फायदा होगा उसका 25% तमाम रेफरल जिन जिन को उनको मिलता रहेगा। अभी ये तमाम लोगों को मिल रहा है, लेकिन ये एक महीने में या 15 दिन में इसका जो रेट है वो हाफ कर देंगे, तो अभी आप अगर जो है वो मेरे 100 रेफरल के अंदर आ जाते हैं तो आपको जब तक फायदे मुझे मिल रहे हैं आपको मिलते हैं 25% आपका फिक्स हो जाएगा। अभी मेरे पास 35 हैं, 65 की और गुंजाइश है, तो जल्दी से जल्दी भाई की ये रिक्वेस्ट पूरी करें, और ताकि मैं इसका एम्बेसडर जो है वो बन सकूं इस नेटवर्क का, ठीक है। तो जो भी मुझे फ़ायदा होगा वो आप अर्ली एक्सेस कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये बस आपसे एक रिक्वेस्ट, एक मिनट में आपसे मैं बात करता हूँ। अच्छा, हम वापस आ चुके हैं, मुझे ज़रा फ़ोन आ गया था एक। अच्छा, तो ये हम कर रहे थे, इसको हम डाल देते हैं, ये आपने कोड डालना अगर आप खुद से डाउनलोड करते हैं, खैर तो ये एरिया रहेगा हमारा उसके, लेकिन अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट जो है वो इस एरिया को ब्रेक करे तब, ठीक है। अच्छा जी, कल हमारे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, आज भी बैंक निफ्टी की अच्छा क्रिप्टो खोला, ये रहा बैंक निफ्टी। अच्छा, ये इंडियन स्टॉक है, हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो जो हमारे इंडियन सब्सक्राइबर हैं उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट थी। लास्ट टाइम हमने ये एरिया मार्क किया था, ये बड़ा अच्छा हमारा गया था ये वाला, अगेन मार्केट इसमें टेस्ट भी गई है, इसको रिमूव करते हैं। तो
मार्केट जो है वो ट्रेंडिंग में ही है स्टिल। लास्ट टाइम मुझे याद है जब हमने इसका लास्ट मंथ किया था, हमने मैंने आपको मार्केट यहाँ कहीं मौजूद थी, मैंने आपको बताया था कि जब तक ये वाला एरिया आपका ब्रेक नहीं होता, ये वाला एरिया, ये पॉइंट, ये है 43,418, ठीक है, 418 इंडियन रुपीस। तब तक आपका जो है वो डाउनवर्ड जो है वो नीचे कंसीडर नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे आपको ये एरिया दिख रहा हो, स्टॉक में आपको इस तरीके से जो है वो कैंडल्स जो है दिखेंगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी इसी तरीके से कैंडल्स जो है वो होती हैं। फर्स्ट तो आपने ये मार्क करके रख लेना है, उसके बाद आपने ये जो कैंडल है लास्ट वाली, इसको मार्क करना, ठीक है। इस पूरी जो है वो इसको भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन ये वाली लास्ट कैंडल आपने मार्क करके रखनी है। ये है 42,000, मैं ऐसे बता देता हूँ, 42,866, लोग बोलते हैं यार, सिंपल इंग्लिश में बता दिया, कन्वीनियंट भी रहता है वैसे, ठीक है। तो ये था 42,858। हम आ जाते हैं डेट ट्रेडर्स के लिए, H4 में देख लूँ मैं, मार्केट अभी सेल में है, ये सिर्फ टेक्निकली देख रहा हूँ, मैंने अभी इसका फंडामेंटली वॉच नहीं किया है। इंडिया के हालात ओवरऑल बेटर हैं, तो इतनी ज़्यादा कोई घबराने वाली बात वैसे है। तो ये हमारे पास गैप है मार्केट का, ठीक है, इसे मार्केट जो है वो लाजमी फिल करेगी। स्टॉक में तो ये लाजमी फिल होता है, फॉरेक्स के अंदर आजकल ये गैपिंग बहुत कम आ रही है, और क्रिप्टो में तो ना होने के बराबर, क्योंकि चलती रहती है मार्केट, तो गैप आता नहीं है इतना। तो हमारे पास ये वाला एरिया फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। अब आप ये ना सोचिएगा कि ये चीज इसमें काम करती है नहीं करती, मार्केट प्लेयर एक ही होते हैं, हर फाइनेंशियल मार्केट में हर तरह की स्ट्रेटजी जो है वो वर्क करती है, क्योंकि मार्केट का जो पैटर्न है ओवरऑल एक ही पैटर्न होता है, ठीक है। ये डिसाइडेड होता है, फर्स्ट टाइम जब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ये डिसाइड हुआ था, मतलब जो पैटर्न है मार्केट के, जो आप देख रहे हैं कैंडल्स, ये पहले वहीं हुई थी, तो ये जब से चला आ रहा है मार्केट ने उसी को जो है वो कॉपी किया है, उसी पैटर्न को मार्केट फॉलो करती है। कोई भी फाइनेंशियल मार्केट हो, क्रिप्टो, फॉरेक्स, हम क्रिप्टो के भी करते हैं, अभी अभी भी करेंगे, BTC का, आप देख रहे हैं किस तरीके से सेम स्ट्रेटेजी उनकी उसके ऊपर भी वर्क करती है, क्योंकि करने वालों का माइंडसेट एक ही होता है इसमें। यहाँ हमारे पास लिक्विडेशन है, यहाँ देखें सिंपल वही वाला, देखें वेकअप बना हुआ, यहाँ पर भी मार्केट ने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की है, तो आपको इससे अंदाजा हो गया होगा क्रिप्टो इंडेक्स या फिर फॉरेक्स या फिर स्टॉक, ये सब एक ही तरीके से काम करता है, ठीक है। यहाँ हमारे पास ट्रेंड चेंजिंग है, तो डे ट्रेडिंग के हवाले से ये वाला एरिया 47,232.60, ये हमारे लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। आप यहाँ पर क्या कहते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग तो आप नहीं कर सकते, स्पॉट के लिए आपको यहाँ का वेट करना होगा, बाकी जो फ्यूचर और मार्जिन ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पर सेलिंग के लिए जो है वो कंसिडर कर सकते हैं, और जो स्पॉट के अंदर एंटर हैं ऑलरेडी वो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का। BTC करते हैं, BTC हमने कल ये मार्क किया था, तो मार्केट ने इस एरिया को टच किया, ऊपर की तरफ आई, ये एरिया मैंने मार्क किया था कि मार्केट यहां तक आ सकती है, मार्केट ऊपर तक तो गई, नीचे भी आई, अभी मार्केट यहीं पर मौजूद है, ठीक है। अब इसको देखते हैं जरा कैसे उठी है मार्केट, देखें अगेन इसी तरह उठी है, जो मैंने आपको अभी मना किया है यूरो यूएसडी में, कि मार्केट जब भी इस तरह उठे आपने एरिया रिमूव कर देना है, तो हम इस एरिया को तो रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल 15 मिनट में हमारे पास डे ट्रेडिंग के हवाले से सही रही मार्केट। अब ये वाला एरिया जो है, ठीक है, लिक्विडेशन, मार्केट जब इसके ऊपर क्लोज ऑफ देगी तो हमारे पास यहां तक के लिए ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। इसको आप पीछे तक ले जाएं तो आपको
ये वाला एरिया नजर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे हमने ऑलरेडी ये वाला एरिया मार्क किया हुआ है और मार्केट नीचे ही आएगी जो है फिलहाल H4 में। अंदर हम डेली की क्लोजिंग देख लें क्या हुई है। ये बाइंग का सिग्नल है ये वाला। ठीक है, और मार्केट ने क्लोजिंग भी स्ट्रक्चर पे दी है। अगर आप देखें यहाँ पर पूरा मार्केट ने टच तो नहीं किया, लेकिन मार्केट ने तकरीबन जो फेयर वैल्यू गैप है इसको फिल आउट करके क्लोजिंग दी है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो जा रही है। H1 में आते हैं तो ये एरिया हमारे लिए बिल्कुल बेहतरीन रहेगा। फर्स्ट हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये वाला एरिया रहेगा। ठीक है, स्पॉट ट्रेडर यहाँ पर एंट्री का सोच सकते हैं, फ्यूचर ट्रेडर भी ले सकते हैं एंट्री। अगर यहाँ पर H1 क्लोज होता है और अगेन बाइंग जो कैंडल है वो H1 की क्लोज होती है अच्छी वाली इस तरीके से कैंडल, या फिर इस तरीके से एक लिक्विडेशन की तरह, जैसे यहाँ इसके ये जो मैं आप जूम करके दिखा देता हूँ, मार्केट ने यहाँ पर जो है वो लिक्विडेशन की हुई है इसकी। इस तरह से हमारे पास ये वही सिंपल पैटर्न है जो हम बनाते हैं डेली इस तरीके से। ठीक है, अगर इस तरीके का पैटर्न हमें यहाँ मिलता है तो अगेन हम फॉर श्योर यहाँ तक के लिए बाय के अंदर रहेंगे। इस लिक्विडिटी को मार्केट हिट करेगी, सेलिंग के चांसेस जो है वो यहाँ से हमारे बन सकते हैं। ठीक है, फिलहाल बाय में एंट्री नहीं लेनी हमने, इसके बाद ही बाय के अंदर एंट्री का जो है वो सोचना है। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करती है तो मार्केट मजीद ऊपर जाएगी। फिलहाल जब मार्केट यहाँ आएगी उस वक्त हम अपनी जो पोजीशन है और जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उस हवाले से देखेंगे कि हमारे पास क्या कुछ अवेलेबल है। ठीक है, हमने क्या गोल्ड का नहीं किया ना, हाँ गोल्ड नहीं किया हमने, तो गोल्ड हम चेक कर लेते हैं। बाय के अंदर, ठीक है, स्टिल हमारे पास एरिया वही है, कोई कुछ खास करने को हमारे पास है नहीं मार्केट में। आर्टिकल पढ़ लेते हैं मार्केट में कुछ इकोनॉमिक के लिए अच्छा चाहिए। न्यूज आ रही है जो हमने कल बात की थी उसकी, वही कि US डॉलर जो है वो नीचे की तरफ आ सकता है। इस वाली ऊपर वाली नहीं उसको लेके, ठीक है, नीचे वाली सेम रहेगी। लेकिन अगर इससे ये जो फिगर आप देख रहे हैं 51.4 47.9 इन दोनों से नीचे अगर फिगर आती है तो जो बाकी मार्केट है USD जो है वो क्या कहते हैं वीक होगा, बाकी मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, और आर्टिकल हमने कल पढ़ ही लिया था कि गोल्ड डिसाइड करेगा कि क्या करना है मार्केट में। ठीक है, तो सिंपल रहेगा, सेम ये वाला एरिया हमारा रहेगा जिसमें ब्रेक ड्यू टू चेंज इन सेंटिमेंट। सेंटिमेंट अभी फिलहाल कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, कल के हिसाब से ही है, मार्केट रेंज में है और यही वाला एरिया हमारे लिए इंटैक्ट है। मुझे लगता है कि मार्केट किसी तरफ ब्रेक डाउन करेगी, इसलिए हमारे पास बाइंग के लिए ये वाला एरिया ऑलरेडी मौजूद है 1986.36। ठीक है, तो आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।